फ्रॉम ओके भोजन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, भोजन कहाँ से आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड हेयर आई मेंशन सम टॉपिक्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट। फर्स्ट इज फूड वैरायटी, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, प्लांट पार्ट्स, प्रोडक्ट्स एज फूड एंड व्हाट डू एनिमल्स ईट। ओके बिफोर यू स्टार्ट टॉपिक आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट भोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके टू नो अबाउट द भोजन वी हैव बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ। ओके यदि आपको भोजन के बारे में पता होगा हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो आपकी हेल्थ सही रहेगी, जो कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर हेल्थ। आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आप सही नहीं रहोगे, आप सही नहीं रहोगे तो आपका माइंड सही नहीं रहेगा, आपका माइंड हेल्दी नहीं रहेगा। ओके तो ये सब कुछ भोजन से स्टार्ट होता है। सो अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड इज या वर्ड्स मीनिंग हेयर मेंशन सम वर्ड विच इज इम्पोर्टेंट टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बिफोर स्टार्ट टॉपिक्स चैप्टर। सो देयर आर सम वर्ड्स, वैरायटी मीन्स प्रकार, इंग्रेडिएंट्स मीन्स सामग्री, पैडी मीन्स धान एंड ग्रेन्स मीन्स अनाज एंड सीरियल्स मीन्स ऑल्सो अनाज एंड चीज, आई थिंक चीज वी ऑल नो अबाउट द मीनिंग ऑफ चीज, पनीर, कर्ड मीन्स दही, आई थिंक वी ऑल नो अबाउट इट। एडेबल मीन्स खाने योग्य, द मटेरियल्स द फूड विच कैन बी ईट इज कॉल्ड एडेबल, राइट। ड्रेन मीन्स बहाना, यू कैन से बहाना मीन्स टू ड्रेन मीन्स लाइक समथिंग टू रिलीज, यू नो रिलीज करना, इट्स कॉल्ड ड्रेन। रैप, आई थिंक यू नो अबाउट इट, रैप लपेटना एंड साइड मीन्स छोड़कर। एंड नेक्स्ट स्लाइड्स इज कॉल्ड कैटल, कैटल मीन्स पशु या गाय बैल, कॉल्ड कैटल। स्प्राउटेड मीन्स अंकुरित, या दिस वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, बीहाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। बजिंग मीन्स गूंज, लाइक अ साउंड ऑफ इंसेक्ट। नेक्टर मीन्स रस, अमृत, समथिंग इज स्वीट, यू नो मीठे को बोलते हैं नेक्टर। ओके नेक्स्ट स्क्वैरल, वी ऑल नो अबाउट इज मीनिंग ऑफ स्क्वैरल, गिलहरी। या दिस थ्री वर्ड्स इज हर्मिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ओके मीनिंग इज देयर, सो गो टू। ओके इन दिस स्लाइड दिस इज फूड वैरायटी एंड इन दिस स्लाइड वी मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। ओके द वैरायटी ऑफ फूड विच वी ईट इन योर डेली लाइफ। ओके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ग्रेन्स, बीन्स एंड नट्स, फिश एंड सी फूड, मीट एंड पोल्ट्री एंड डेयरी फूड्स। ओके मीट, यू कैन ईट मीट ऑफ चिकन एंड गॉट एज एग्जाम्पल। एंड इन डेयरी फूड्स लाइक योर मिल्क प्रोडक्ट, एग्जाम्पल आइसक्रीम एंड चीज एंड कर्ड, दिस एग्जाम्पल ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी फूड्स। ओके सो हम ये डिफरेंट भोजन खाते हैं, यदि हम एक टाइप का भोजन डेली खाएं तो शायद हम लोग बोर हो जाएंगे, तो हम वी अटेम्प्ट टू बी ईट डिफरेंट फूड्स एंड इन डिफरेंट फूड्स कंटेन यू नो डिफरेंट वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके एक फूड में जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो हम सेकंड भोजन फूड लेते हैं, सो वी कैन बी ईट यू नो सम बैलेंस डाइट। ओके सो इन योर नेक्स्ट स्लाइड वी गो नेक्स्ट स्लाइड देयर एंड दिस स्लाइड इज अबाउट फूड सोर्सेस। ओके दे आर टू कैटेगरी ऑफ फूड सोर्सेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेयर दिस फ्रॉम दिस सोर्सेस वी गेट द फूड। ओके एंड फ्रॉम प्लांट्स फूड ग्रेन्स, वीट एंड राइस एंड मेज, वीट राइस एंड मेज यू नो गेहूं चावल एंड मक्का। पल्सिस मीन्स दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, स्पाइसिस, मसाला, टी एंड कॉफी, दिस ऑल टाइप्स ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम द
ओनली प्लांट्स। ओके, तो सेकेंड सोर्स जहाँ से हमें भोजन मिलता है वो आपका एनिमल्स है। एनिमल्स से आपको बेसिकली टू टाइप्स के ही भोजन मिलते हैं, जैसे कि मिल्क। मिल्क आपको काउ से मिल सकता है, बफेलो एंड गोट से मिलता है। एंड सेकेंड मीट, यूजली एज इंडियन पीपल आर ईट मीट ऑफ चिकन लाइक हैन, फ्रॉम द हैन एंड गोट। ओके, सो दिस इज द एनिमल्स सोर्सेज ऑफ फूड। नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट, हियर आई जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम इडली। इडली इज मेड फ्रॉम द राइस, उड़द दाल, साल्ट एंड वाटर। ओके, दीज फोर आर कॉल्ड इंग्रेडियंट्स। ओके, बाई यूजिंग दिस इंग्रेडियंट्स वी मेड इडली। ओके, एंड राइस इज द सोर्स ऑफ प्लांट, उड़द दाल ऑल्सो इज सोर्स ऑफ प्लांट्स। ओके, एंड साल्ट वी गेट फ्रॉम द सी, एंड वाटर इट इज अ नेचुरल सोर्स। ओके, एंड बाई यूजिंग दिस स्लाइड्स यू कैन इजली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इन्ग्रीडियंट्स एंड सोर्सेज। ओके, इन्ग्रीडियंट्स इज द पार्ट विच वी यूज टू मेक इडली, एंड ऑल दिस इन्ग्रीडियंट्स वी गेट फ्रॉम द सम अदर सम सोर्सेज। ओके, तो सोर्सेज लाइक फ्रॉम वेयर वी गेट द इन्ग्रीडियंट्स, एंड बाई यूजिंग different types of ingredients, source is animal, okay, and oil, we get oil from the, also in animals also gay, okay. Now, in this slide, I have mentioned different edible parts of plants, okay. So, there is flower, there is fruit, this is a stem, this is leaf, and this is knot, and this is bud. Okay, this part is called shoot system, and this part is root system. Okay, primary root, this is secondary root. Okay, internode is the distance between the two nodes. Okay, this first node, the second node, and this is the distance between the two node. And what is node? Node is the place, the part from which a leaf is generated. Okay, this is called node. Okay, so this is the some parts of, we all know about these parts, I think. And now your next slide. Yeah, this slide is all about the different parts of plants we eat, of some plants, not all the all plants, but some of the plants we eat their parts. Okay, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि वी ईट द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स एज फूड। ठीक है, कुछ प्लांट्स की रूट्स हम खाते हैं, जड़े को हम खाते हैं, लेकिन सब प्लांट्स की नहीं, सम प्लांट्स। ओके, दिस इज द मेन पॉइंट्स टू बी नोटेड, डेट सम प्लांट्स, ओके, लाइक कैरेट, कैरेट, रेडिस, बीट रूट, स्वीट पोटैटो, इन सब फ्रूट्स के हम रूट खाते हैं, राइट। बी रूट इज अबाउट चुकंदर, चुकंदर के जो ग्रीन सो रूट्स होते हैं वो हम खाते हैं। एंड सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर स्टेम्स, उनके तने में भी कुछ प्लांट्स के तनों में भी भोजन होता है। लाइक एग्जांपल अनियन, अनियन आपने देखा होगा, आपने कभी घर के अंदर अनियन लगाया होगा, तो उसे हम किसी गमले के अंदर जब अनियन रखते हैं, आफ्टर सम टाइम कुछ दिनों में देखते हो कि उसके ऊपर से एक हरी टाइप की कुछ स्टेम्स आ जाती है, तो वो स्टेम्स हम खाते हैं लाइक ए वेजिटेबल। ओके, एंड पोटैटो, जिंजर, गार्लिक एंड टर्मेरिक, इन सबके फ्रूट्स के हम जो है हमारे इनके हम स्टेम्स हम खाते हैं लाइक। ओके, एंड सेकेंड एग्जाम्पल देयर, द लीफी वेजिटेबल्स आर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। जो आपको लीफी वेजिटेबल्स होते हैं लाइक स्पेनिश, इनके लीव पत्ते खाते हैं हम, स्पेनिश, कैबेज, लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। ओके, सरसों के,
सरसों का जो पत्ते होते हैं वो हम खाते हैं। ओके, कैबेज आपका बंद गोभी होता है उसके हम पत्ते खाते हैं। स्पिनच, ओके, जो पालक होता है आपका वो हम खाते हैं। राइट, सेकंड, द फ्लावर्स ऑफ द सम ऑफ द प्लांट्स आर ईटन एज अ फूड। ओके, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं वो हम खाते हैं, लाइक फ्लावर्स और बनाना, बनाना फ्लावर्स होते हैं वो हम खाते हैं। पंपकिन और प्लांट, ओके, पंपकिन का जो फ्लावर निकल होते हैं उसको हम खाया जाता है। ओके, देर आर सम प्लांट्स विच स्टोर फूड इन देयर फ्रूट्स। ओके, ऑल नो अबाउट द फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, पियर्स। ओके, सम ऑफ द प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर सीड्स। कुछ प्लांट्स होते हैं उनका भोजन कहाँ पर इकट्ठा होता है वो आपका सीड्स में होते हैं, बीज में होते हैं, लाइक वीट, राइस, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, पीस एंड पीलट। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स, यानी कि हम बीज हम खाते हैं, ग्राउंडनट एग्जाम्पल ऑफ मूंगफली, ओके, सोयाबीन, पीस, ओके, तो दीज आर द प्लांट्स जिसके हम सीड हम लोग खाते हैं। तो इन दिस स्लाइड हमने ये समझने की कोशिश करी है कि हम ऑलमोस्ट जो आपके पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो ऑलमोस्ट सब खाते हैं। ओके, बट द कंडीशन इज सम प्लांट्स, नॉट ऑल ऑफ द प्लांट्स, बिकॉज हो सकता है कुछ प्लांट्स के जो जड़े या फिर रूट्स या फिर स्टेम्स वो आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल हो, तो हम सबके नहीं खाते, कुछ प्लांट्स के हम खाते हैं। राइट, तो इस स्लाइड से हमने समझने की कोशिश करी है। नाउ इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स, दिस इज द स्प्राउटेड, when the seed begin to grow by developing tiny roots, they are called sprouts. Okay, the seeds of moong and chana are usually converted into sprouts in our homes. Okay, ये आप फिगर देख रहे हो, चना, चने की डायग्राम देख रहे हो, उसमें से कुछ जड़े निकली हुई व्हाइट रंग की, दिस इज द रूट। ओके, एंड इस टाइप के जो जड़ों का निकलना, आधी हम कुछ चीज पानी भिगोए, बेसिकली तो दो चीज तो हम खाते ही है, अपने घरों में अपने ट्राई किया होगा, चना मूंग को दिए हम कुछ समय के लिए पानी में छोड़ दें, तो उसमें से आपके टैनी टैनी टाइप के रूट्स निकलते हैं। ओके, तो इस चीज जो प्रोसेस है ऐसे बोलते हैं, जो निकलने के बाद जो चीज हम मिलता है हमें, उस पार्ट को बोलते हैं स्प्रॉटेड, में स्प्रॉटेड चना, दैट मीन्स अंकुरित चना, ठीक है, और जड़ों का निकलना उसमें से। ओके, ये भी आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। ओके, नाउ इन दिस स्लाइड्स वी एक्सप्लेन सम टर्म्स लाइक हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस दैट मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम और ईट ओनली प्लांट्स एज देयर सोर्स ऑफ फूड आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ओके, ऐसे जीव जो सिर्फ प्लांट्स के फूड लाइक यू नो ग्रेन्स वो चीज खाते हैं, उन्हें बोला जाता है हर्बीवोरस। ओके, एग्जांपल दिया हुआ काउ, रैबिट, गॉट, डियर, लोकस्ट एटसेट्रा। ओके, एंड द कार्निवोरस आर द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स और मीट। ओके, इट्स लाइक एग्जांपल्स लॉयन, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड। एंड लास्ट इज ओमनिवोरस, दिस इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनिजम्स और द पर्सन्स या एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट फूड एज वेल एज मीट ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ओमनिवोरस आर ह्यूमन बींग्स, क्रॉ, डॉग, स्पैरो एंड आंट्स एटसेट्रा। So in this slide we just explain these three terms, which is very important terms. Okay, I think you understand about these terms. Okay, thank you friends for watching this video. Please subscribe this channel and like this video
एंड कमेंट्स. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.